हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसे कि वीडियो देख सकते हैं, ये टाइपिंग वाले वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मिस्टर फैजू ने भी बनाया है और याज ने भी बनाया है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। इस तरह के वीडियो आप टिकटॉक एप्लीकेशन से भी बना सकते हैं या फिर काइनमास्टर एप्लीकेशन से भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन से एडिट करके बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। आपको एक वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से, मैंने वीडियो को कुछ इस तरह से ही शूट किया हूँ, तो आप इससे बेहतरीन भी वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई के भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपको ये देखना है वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपल जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, हमारा वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से वीडियो को मैंने शूट किया हूँ, तो आप भी कुछ इस तरह से ही वीडियो शूट कर सकते हैं या फिर इससे बेहतरीन भी वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ग्रीन स्क्रीन पे लेयर पे क्लिक करेंगे और इसे आपको लास्ट पोजीशन पर लेकर आ जाना है। तो सिंपल मैं इसे प्रेस करता हूँ और इस तरह से लास्ट में लेकर आ जाना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर आना है और यहाँ पर वीडियो आपको 14 सेकेंड के आसपास ही शूट करना है। इसके बाद जो भी राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हमें ट्रिम टू राइट कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और सिंपल आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है और ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ से फूल कर देना है, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद जब आप फाइनली वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो यहाँ पे लगभग एडिट हो चुका है, ठीक है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साउंड ऐड करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, सॉरी वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्रैक आइडियो कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो साउंड जो है ऐड हो चुका है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। तो आपको यहाँ पर देखना है जो ग्रीन स्क्रीन जो है हमारा पूरी तरह से मैच हो चुका है, तो हाँ लगभग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन जो भी था रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।